सन्ने श्री सनातन धर्म जगदीश कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज रक्षाबंधन के अवसर पर विद्यालय में राखी व मेहंदी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आयोजन में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की मनमोहक राखियाँ बनाई गई व छात्राओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई। स्कूल उपाचार्य संगीता ने बताया कि हमने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए मंच प्रदान किया है, जिससे बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का एक प्रयास है। इस प्रतियोगिता को करने का उद्देश्य यह है कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखना। इस तरह की समय समय पर स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में पुराण के अनुसार इसकी शुरुआत देव दानव युद्ध से हुई थी। उस युद्ध में देवता हारने लगे। भगवान इंद्र घबरा कर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दिया। उस अभिमंत्रित धागे की शक्ति से देवराज इंद्र ने असुरों को परास्त किया। यह धागा भले ही पत्नी ने पति को बांधा था, लेकिन इसे धागे की शक्ति सिद्ध हुई और फिर कालांतर में बहने भाई को रक्षाबंधन बांधने लगी। मेरा नाम आजम है, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में राखी और मेहंदी का कंपटीशन कराया है और हम इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत खुश हो रहे हैं। इससे हमें पता चला है कि हमें इतना उत्साह मिला है ये सब करके, और हमारे अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर उभर कर आया है। और बहुत से बच्चों ने हमारे स्कूल बहुत से बच्चों ने राखी और मेहंदी कंपटीशन में भी भाग लिया। मेरा नाम साक्षी है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है और मैंने ये राखी बनाई है, ये मैं अपने भाई को बांटा। मेरा नाम है दीपा, मैं 9वीं का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में राखी और मेहंदी बनाने का इसमें भाग लेते हैं, बहुत खुश हुआ और हमें सबने आज का क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था क्या? आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में विद्यालय में जो है मेहंदी और राखी मेकिंग का कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी बच्चों ने बड़ी खुशी के साथ जो है हिस्सा लिया। और मेहंदी और राखी दोनों ही प्रेम का प्रतीक है और बच्चों ने इसमें अपनी अपनी कलाकारी को उभारा और सभी बच्चे जो है खुशी के साथ इसमें शामिल हुए। हमें ये देखने को मिला कि बच्चों ने अपने हाथों से किस प्रकार से जो है काम करते हुए राखियों को इतना सुंदर बनाया, जिससे ये लगता है कि आने वाले समय में बच्चे जो है अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। आज हमारे स्कूल में मेहंदी और राखी का कॉम्पिटिशन था जिनमें कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो भी प्रतिभा छुपी हुई थी उन्होंने अपने उस माध्यम से उनकी प्रतिभा को दर्शाया बच्चों ने। और ये हमारे 9th क्लास की चेतना है जिसकी किस्मत जिसकी राखी देखो कितनी कृष्ण भगवान किसमें थोड़ा बहुत झलक रहा है, जो इसने अपनी बहुत ही बड़ी टैलेंट को दिखाया है इसमें। और जो हमारी साक्षी है 12th क्लास की, इसने भी बहुत अच्छी तरीके से राखी अपनी बनाई है और इसने अपना टैलेंट जो अंदर छिपा हुआ है वो हमेशा ये दिखाती हैं, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो हमारे स्कूल में, लेकिन आज राखी कॉम्पिटिशन में इसने अपनी प्रतिभा इस तरीके से अपनी दिखाई है। तो हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे स्कूल के काफ़ी वैसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को दिखाया है, नहीं तो वो हमेशा अंदर छुप के मतलब उस चीज़ को दर्शा नहीं पाते थे, लेकिन इस माध्यम से हमने सभी बच्चों का टैलेंट बाहर निकालने की कोशिश की है।